गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के 7 बजे हैं, 7:45 हुए हैं और नव जो है वो फ्रेश हो चुका है, फ्रेश होकर दोबारा सो रहा है। और इस टाइम पे मैं नव को नव के पापा को दे देती हूँ ब्रेस्ट फीड करके, ताकि वो उसको सुला सके और मैं भी थोड़ी देर सो सकूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हमने आपको सुबह 7:45 की फुटेज दिखाई थी, उसके बाद मैंने बोला था मैं एक्सरसाइज करूँगी, बट ना एक्सरसाइज नहीं करने दे रहा मुझे, बहुत देर से बार बार लो रहा है, मेरी गोदी में आ रहा है। अभी 8:20 हो रहा है, अगर आपको दिख रहा हो टाइम तो, 8:20 हो रहा है अगर आपको टाइम दिख रहा हो तो। और नव की गुड मॉर्निंग फिर से। अभी उठ गए हैं हम लोग प्रॉपरली, फ्रेश व्रेश हो गए हैं। अभी हमारा घर कुछ इस तरीके से दिख रहा है और नव को इसमें लिटाया है थोड़ी देर के लिए। बाहर देखोगे तो रात को मैंने ऐसे कपड़े सुखाए थे, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से उमस हो रही है, जिस वजह से ना बिल्कुल भी कपड़े सूख नहीं रहे हैं, और कपड़े ना सूखने की वजह से ऐसे ही कपड़े सुखाने पड़ रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ वेदर कैसे हो रहा है इस टाइम पे। आज तो बहुत अच्छी धूप आ रही है थैंकफुली। ये रूम तो साफ ही रहता है क्योंकि इस रूम में कोई होता नहीं है, तो इसे बंद कर देते हैं, दिन में थोड़ी बहुत देर इसमें बैठ जाते हैं। धुले हुए कपड़े रखे हुए हैं इसमें, कल उतारे थे फिर तय नहीं करे, तो पीछे वाली बालकनी में यहाँ बहुत अच्छी धूप आती है। तो सर्वेश भैया जनरली बोलते हैं कि बच्चे के कपड़े भाभी धूप में सुखाने चाहिए, तो अभी मैं यहाँ पर नव के कपड़े सुखाऊँगी। अभी शाम के 5 बज चुके हैं, 5:30 हो रहे हैं एक्चुअली, और हमने बोला था हम पूरा दिन दिखाएंगे, बट हस्बैंड को कुछ काम से बाहर जाना पड़ गया, इस वजह से मैं जो है अकेले नव को संभाल रही थी, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। मैंने नव को अकेले ही नहीं लाया दिखाया भी था, फिर नव सो भी गया था, तो दिखाने के लिए एक्चुअली कुछ था नहीं कि हम क्या दिखाते। और हम लोग ना कल एक रील बनाने की सोच रहे थे, आ जा बैठ, जो हमने इंस्टा पे देखी थी, बट हम बना नहीं पाए थे क्योंकि नव बहुत ज़्यादा फंसी रहता है आजकल, परेशान तो रहता है, बट अभी हम वो रील बना रहे हैं, उसके लिए हमने मफिन लिया है, इसीलिए मैंने अभी कल वाली ड्रेस भी पहनी है, और फिर हम कुछ रील्स और बनाएंगे। अभी नव के दांतों में बहुत इचिंग हो रही है, आप देख सकते हो वो बहुत परेशान सा हो रहा है, तो अभी हम 2-4 रील्स और बनाएंगे, तो वो भी बीच बीच में दिखाते रहेंगे, उसके लिए फिर से कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। तो आज के व्लॉग में आपको ये देखने को मिलेगा कि हम एक साथ कितने सारे काम करते हैं, एक दूसरा काम करता है, फिर एक जना बच्चे का संभालता है। आई थिंक यही होता है हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो हर तरीके से, सिर्फ मेंटली फिजिकली नहीं, हर तरीके से जैसे भी आप कर सकते हो। और ऑब्वियसली एज अ पेरेंट ये दोनों की ड्यूटी होती है कि वो बेबी को थोड़ा टाइम दे। नव के पापा ने नव को एक झूला झुला दिया, ये हंस रहा है नव, खुद भी नव को अच्छा लग रहा है। हाँ नव, मजा आ रहा है क्या? अच्छा अच्छा, मेरे बेटे को अच्छा लग रहा है क्या? नव, 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 नव से हाय। अरे वाह, टिक 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 घोड़ा चला रहा है मेरा बेटा तो, टिक 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 टिक। नव देख रहा है पापा क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं मेरे साथ। नव, नहीं कोई नहीं, कर लेंगे हम नीचे जाके, पीछे से खाली था। नव, अभी
भी कह रही है तुम ब्लॉग बनाएंगे। नव सो गया था अभी नीचे, इसलिए फिर हमने बीच में कुछ दिखाया नहीं क्योंकि वो सो रहा था और हमने चाय वाय भी, हमने इतने एक रील बना ली थी, रील के बाद ही जस्ट नव सो गया था, वरना हम एक और रील बनाने की सोचे थे। अभी हम बनाएंगे ये लव लैब का, हमने मंगाया है बेबी कैरियर, इसका व्लॉग बनाएंगे, ये आप हमारे नेक्स्ट व्लॉग में देख सकते हो। इसके बारे में बताएंगे कि ये कैसा है कैसा नहीं है, और अभी इसकी डिटेल्स मैं आपको दूंगी नहीं, थोड़ी देर में दूंगी। और आज हम कोशिश करेंगे ना कि नव का रात भी आपको दिखाएं कि नव रात में कैसे परेशान करता है। नव, नव, मामा, इसलिए नव का आगे का आधा माथा ऐसा लगता है जैसे टैन हो गया, क्योंकि वहां पे बहुत सारे बाल है। बट बेबीज के साथ तो ऐसा होता ही रहता है, थोड़े दिन में ये एकदम ठीक हो जाएगा। अभी इसके बाल आने भी लगे हैं, अभी बिल्कुल टकलू नहीं रहा है। तो हमने बेबी कैरियर का ब्लॉग जो है वो शूट कर लिया है पूरा, और वो आपको जल्दी हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स आपको पता लग जाएंगे। अब हम जा रहे हैं नीचे थोड़ी देर वॉक करने के लिए, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि मैंने जिम का अटायर पहना है और हस्बैंड ने भी पहना है, बस मैंने शूज़ नहीं पहने क्योंकि मैं वॉक पर जाने वाली हूँ। और मुझे शूज़ से ज़्यादा कंफर्टेबल ना मेरे ये वाले स्लीपर्स लगते हैं, ये वॉकिंग स्लीपर्स ही हैं बेसिकली। और नव को भी ना इवनिंग में थोड़ी फ्रेश हवा दिलवाते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं। तो अभी नीचे जाएंगे, वॉक करेंगे थोड़ी देर, फिर देखते हैं अगर कहीं जाएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। नव बता दो, कह दो दीदी मैं अपने पैर का अंगूठा पी लेता हूँ। अभी इसके टीथ आ रहे हैं ना अभी, इसलिए सारी चीजें खाता है। बोलो नहीं है दीदी, अभी आएंगे। कह दो डर जाऊंगा मैं अंधेरा हो जाऊंगा। हाँ ये भी बेबीज हैं आपके जैसे, आपसे बड़े हैं बस। अभी तो हमें जिम ओपन मिल गया, तो मैं जिम में ही आ गई वॉक करने के लिए, बट मैंने चप्पल पहने हैं, शूज पहने नहीं है, और ऊपर जाने का मन नहीं था। तो कोई नहीं, थोड़ी देर बस ये करके ट्रेडमिल करके थोड़े से एब्स वाली एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद मैं ऊपर चली जाऊंगी क्योंकि नव रोने लग जाएगा। तो थोड़े से स्टेप्स करेंगे, इंक्लाइन करी हुई है मैंने मशीन 6 पे, तो आज से हमारी वेट लॉस जर्नी शुरू हो रही है, देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगा या नहीं। दोपहर को मैंने बहुत सारा चॉकलेट केक खाया था बैठ के, वैसे तो हम अभी नीचे से आ गए हैं, मैंने एक्सरसाइज कर ली लगभग आधा घंटा, आज फर्स्ट डे था तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करी क्योंकि फिर बॉडी एक बहुत ज़्यादा होता और वो मैं हैंडल नहीं कर पाती। तो अभी मैं जाऊँगी नहाने के लिए क्योंकि अभी बज रहे हैं 8:30 और नव का सोने का टाइम हो गया है। नव अभी सोएगा लगभग आधे घंटे के लिए, उसके बाद नव उठेगा तभी हम खाना भी खाएंगे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। अभी 10 बज गए हैं, नव के सोने का टाइम हो रहा है और नव भजन सुन के सोता है। सुला रही हूँ, फिर 1.5 घंटा गोदी में सुलाना पड़ेगा, फिर नीचे लेटेगा। तो अभी के लिए गुड नाइट, कोशिश करेंगे रात की भी वीडियोस अगर बना पाएंगे तो, बट फिर भी मैं पहले गुड नाइट बोल देती हूँ। गुड नाइट, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए भी आप हमें बता सकते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ओके गुड नाइट। नव सो गया था तो मैं फ्रूट कस्टर्ड बनाने लग गई, मैंने सोचा अब नव सो गया है गुड नाइट हो गई है, बट नव बीच में उठ गया और बहुत देर तक रोता रहा। फिर इसकी पूरी नींद खुल गई है और अब 11:30 हो रहा है और मैं चाहती हूँ ये सो जाए ताकि मैं भी सो जाऊँ, लेकिन ये सो नहीं रहा है और इसे अपने पापा के साथ खेलना है क्योंकि वो भी खेल रहे थे, बट वो एडिट करेंगे व्लॉग को तो वो खेल नहीं रहे हैं। सो जाओ बेटा, हो गया। मम्मा का भी मन कर रहा है ना कुछ करने का ऐसे।
आज का व्लॉग फिर हम यहीं खत्म कर रहे हैं, क्योंकि तो पता नहीं कब सोएगा, तो हम आपको क्या क्या दिखाएंगे क्या क्या नहीं दिखाएंगे। शैतान बच्चा हमें टाइम नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं। खाना भी हमने अब खाया है 11:30 बजे, पहले इन्होंने खाया, फिर इन्होंने इसको पकड़ा, फिर मैंने खाया। नंबर वाइज खा रहे खाना अभी। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। हाँ, सुनिए रहे रोग।